ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास जायद, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू केमिस्ट्री। टुडे वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री ऑन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ of base, chemical property of base. At the previous lecture we have discussed chemical property of the acid and uses of acids, but today we will discuss chemical property of the base. Chemical property means chemical reaction, they are same. Chemical property are also called chemical reaction. The first chemical property of the base, the first chemical reaction of the base, that is reaction with acid, and the name of such a reaction is known as neutralization. देखिए, मैंने आप लोगों को एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में भी बताया था कि वेन एवर एसिड रिएक्ट विद बेस आर बेस रिएक्ट विद एसिड, दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप वही रिएक्शन दोबारा उठा दे जो आपने रिएक्शन ऑफ एसिड में लिखा था विद बेस के साथ, तो वही रिएक्शन दोबारा उठा दे, सो आप नाम दे दे रिएक्शन विद एसिड, उस बेस का रिएक्शन एसिड के साथ हुआ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एसिड ले HCl ले ले और बेस NaOH ले, चूँकि हमने बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करना है, तो चलो बेस पहले लिखें, ज़रूरी नहीं है, बट HCl बाद में लिखें। सो दे विल प्रोड्यूस NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर। व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड और एसिड रिएक्ट विद बेस, रिमेंबर ऑलवेज द प्रोडक्ट विल बी salt and water, the name of this reaction called neutralization reaction. इसी chapter का जो last topic है वो neutralization reaction है कि जी what is neutralization reaction, तो वो भी आप लोगों का clear हो गया कि neutralization reaction ऐसे reactions को कहते हैं जिसमें acid base के साथ या base acids के साथ मिले और इससे salt and water produce हो, that is called neutralization reaction. For example, if the base is potassium hydroxide and the acid is sulfuric acid, so they will produce potassium sulfate plus H2O, potassium sulfate plus H2O. The reaction is not balanced, so agar hum yahan pe 2 likh de, so now the reaction is idhar bhi 2 likhe, now the reaction is balanced, that is base and that is acid. When a base react with acid, they produce salt and water, so that is called neutralization reaction. So the first chemical property of the base, that is reaction with acid, whenever base react with acid, remember they always produce salt and water. So another chemical property of the base, that is reaction with ammonium salt, देखिए हमारे पास दो तरह के अमोनियम सॉल्ट है, दो तरह के अमोनियम सॉल्ट है, एक अमोनियम क्लोराइड दूसरा अमोनियम सल्फेट, दोनों के साथ करते हैं अमोनियम क्लोराइड एंड द सेकेंड वन इज अमोनियम सल्फेट। सो अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट, इसके साथ अगर हम बेस मिलाए,
हमारे पास बहुत सारे बेस हैं, सपोज एक के साथ NaOH मिलाते हैं और दूसरे के साथ एक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं. ओके, व्हेन अमोनियम क्लोराइड, दैट इज अ साल्ट ऑफ अमोनियम, रिएक्ट विद बेस, सो दे प्रोड्यूस व्हाट? दे प्रोड्यूस रेड, रेड के साथ रिएक्ट करवा दे, सो दैट विल प्रोड्यूस NaCl प्लस NH3 प्लस H2O. ये जो NH3 है दैट इज गैस, ये गैस है, ये इवॉल्व हो जाएगा. अगर इसी तरह अमोनियम सल्फेट के साथ मिलाए, सो दे विल प्रोड्यूस कैल्शियम सल्फेट, आई एम सॉरी, अगेन अमोनिया प्लस वाटर. ओके, so that is the chemical property of the base, that is reaction with ammonium salt. ये भी ammonium salt है, ये भी ammonium salt है, base के साथ react करके sodium chloride and calcium sulfate plus ammonium gas is evolved. Very important MCQs कि whenever base react with ammonium salts, what type of gas is evolved? Remember the gas is always ammonia. Next chemical property of the बेस, दैट इज, इसे जरा स्क्रीन शॉट ले ली जल्दी. ओके, अनदर केमिकल प्रॉपर्टी लास्ट विद केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेस विद अगेन सॉल्ट, बट नाउ द सॉल्ट इज, द सॉल्ट इज Now the salt is reaction with heavy metal salt. Again salt है, लेकिन अब heavy metals के. Heavy metals का मतलब है like zinc हुआ, lead हुआ, आयरन हुआ, जिंक, लेड, आयरन, कैल्शियम एट्सेट्रा, ये हीवी मेटल्स है. और हमेशा याद रखें कि बेस जब हीवी मेटल के साल्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है, सो एज अ रिजल्ट अ प्रिसिपिटेट इज फॉर्म. वंस अगेन, कोई भी बेस जब साल्ट ऑफ हीवी मेटल्स, नेक्स्ट मैं करने वाला हूँ, साल्ट ऑफ हीवी मेटल्स के साथ कोई भी बेस रिएक्ट करेगा, तो एज ए रिजल्ट प्रोडक्ट जो है वो प्रिसिपिटेट बनेगा. ये प्रिसिपिटेट क्या होता है? प्रिसिपिटेट का मतलब है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो पानी में हल ना हो, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट. और बेस हीवी मेटल्स के साल्ट के साथ जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है वो हमेशा हाइड्रोक्साइड की शक्ल में, किसकी शक्ल में? हाइड्रोक्साइड की शक्ल में बनाते हैं. सो हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज नोन एज अ प्रिसिपिटेट. आप देखेंगे नेक्स्ट, एंड दैट्स व्हाई सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन. इसलिए इस रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनता है. प्रिसिपिटेट का मतलब है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, और वो किस फॉर्म में बनता है? हमेशा हाइड्रोक्साइड की शक्ल में. मतलब कहने का मतलब है कि जब बेस
हीवी मेटल के साल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ प्रोडक्ट हाइड्रोक्साइड की शक्ल में आता है, और वो हाइड्रोक्साइड एक अनसॉल्युबल प्रोडक्ट है जिसको प्रिसिपिटेट कहते हैं, मतलब प्रिसिपिटेट बनता है। सो इसी वजह से इस रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। आज ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से साल्ट ऑफ हीवी मेटल के साथ जब बेस रिएक्ट करता है, जिंक, आयरन, कैल्शियम एंड सो कॉपर एट्सेट्रा। ये देखें, दैट इज कॉपर सल्फेट, दैट इज द सॉल्ट ऑफ हीवी मेटल, द हीवी मेटल इज कॉपर। इसी तरह सॉल्ट ऑफ अगेन हीवी मेटल दैट इज जिंक, दैट इज कॉपर सल्फेट, दैट इज द सॉल्ट ऑफ हीवी मेटल, जिंक क्लोराइड दैट इज द सॉल्ट ऑफ हीवी मेटल, आयरन क्लोराइड दैट इज द सॉल्ट ऑफ हीवी मेटल, आयरन क्लोराइड, आयरन सल्फेट दैट इज द सॉल्ट ऑफ हीवी मेटल, कैल्शियम क्लोराइड एंड लेड नाइट्रेट। ये सारी सॉल्ट ऑफ हीवी मेटल है। द हीवी मेटल हेयर इज कॉपर, जिंक, Fe, अगेन Fe, कैल्शियम एंड Pb, दैट इज द सॉल्ट ऑफ हीवी मेटल, सॉल्ट ऑफ हीवी मेटल। इसी सॉल्ट ऑफ हीवी मेटल्स के साथ हमने बेस रिएक्ट करना है। द बेस इज NaOH, the base is what, that is NaOH. so अब देखिए क्या बनने वाला है। ये जो रेड के साथ मैंने लिखा है इसका पोर्शन, वो इसके रेड के साथ मिला दें, रिएक्शन ठीक है, बैलेंस कर लेंगे। सो क्या क्या प्रोड्यूस होगा, कॉपर विद OH, कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्योंकि OH दो है होने चाहिए, इधर एक है सो आप इधर टू लिख दें, जिंक हाइड्रोक्साइड अगेन टू सो आपने इधर टू लिखना है, आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड इधर चूंकि तीन है सो इधर आपने तीन लिखना होगा, अगेन आयरन हाइड्रोक्साइड, इधर टू है सो आप इधर टू लिख दे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सो टू आप इधर भी टू लिख दे, एंड लेड हाइड्रोक्साइड सो टू सो आप इधर भी टू ही लिख दे। जरा कैमरा ठीक है नजर आ रहा है, ओके तो इधर जो मैंने रेड के साथ लिखा है वो इसके रेड वाले पोर्शन से मिलाना है ब्लू ब्लू के साथ, तो आपके लिए रिएक्शन याद करना आसान हो जाएगा। बल्कि मैंने पहले भी कहा कि हीवी मेटल के साल्ट के साथ जब हमने बेस रिएक्ट करना है तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ये देखिए सारे हाइड्रोक्साइड है लेकिन ये अनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है विच इज नोन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट, सो दैट इज प्रिसिपिटेट। अच्छा और क्या बनेगा वो आप इधर फिर साथ लिख दे कि और क्या बनेगा, ब्लू को ब्लू के साथ कर दे, सो सोडियम सल्फेट Na2SO4, इधर सोडियम क्लोराइड, इधर सोडियम क्लोराइड, इधर सोडियम सल्फेट, इधर सोडियम क्लोराइड और इधर सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट।
लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं प्रिसिपिटेट, दैट इज प्रिसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड, दैट इज इनसॉल्युबल प्रोडक्ट. सो व्हेनेवर बेस रिएक्ट विद द सॉल्ट ऑफ हीवी मेटल्स, सो दे प्रोड्यूस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड विच इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन. वंस अगेन, कि जब भी बेस किसी हीवी मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमेशा प्रोडक्ट जो बनेगा इनसॉल्युबल इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड, और इसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को प्रिसिपिटेट कहते हैं. सो ये देखिए एज अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हुआ. लेकिन यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट इंसिक्यूज आता है, रिएक्शन देखिए आपने इस तरह याद रखना है, ये हीवी मेटल का साल्ट बेस तो सारा एक ही यूज़ किया है, और उसके OH को हम मेटल के साथ मिलाएंगे, क्योंकि साल्ट ऑफ हीवी मेटल है तो मेटल के साथ OH मिलाएंगे, बकाया पोर्शन आगे खुद बहुत रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा. ये साल्ट ऑफ हीवी मेटल कॉपर है, ये जिंक, आयरन, आयरन, कैल्शियम एंड पीबी. यहाँ पे जो बहुत सारा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, वो क्या है, आपको क्या याद होना चाहिए. ये जो सारा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट हमने बना लिया इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट, इस प्रिसिपिटेट का कलर याद होना चाहिए. अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है द कलर ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट एस डैश, तो फिर कलर जो है हर प्रिसिपिटेट का आपको याद हो. मैं हर एक प्रिसिपिटेट के साथ कलर लिख रहा हूँ, ये कलर आपने याद करना है इस प्रिसिपिटेट का, इसका सबका. सो पहले जो प्रिसिपिटेट है इसका कलर है ब्लू, सो इसी वजह से इसको कहते हैं ब्लू प्रिसिपिटेट. सो द कलर of the first precipitate, that is blue. इसका ब्लू है. जो सेकेंड प्रिसिपिटेट है इसका कलर व्हाइट है. कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर ब्लू है लेकिन सेकेंड का कलर व्हाइट है. तीसरे प्रिसिपिटेट का कलर जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है, इधर कलर ब्राउन है, ब्राउन प्रिसिपिटेट. लेकिन जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 नहीं है बल्कि +2 है, यहाँ पे जो कलर है दैट इज डर्टी ग्रीन. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का जो प्रिसिपिटेट है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे जो कलर है दैट इज अगेन वाइट, और इसका भी वाइट है. तो मतलब थ्री प्रिसिपिटेट का कलर वाइट है, जरा याद रखिए, जिंक का, कैल्शियम्स का और लेड का. जिंक हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लेड हाइड्रोक्साइड, इन तीनों का कलर रेड है, कॉपर का ब्लू है, वैसे भी कॉपर जहाँ होता है ब्लू कलर का होता है, जिंक का वाइट है, सॉरी आयरन +3 में हो तो ब्राउन है, अगर आयरन +2 में हो तो डर्टी ग्रीन है. एक में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, डर्टी ग्रीन जहाँ पे है वहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन ब्राउन प्रेसिपिटेट में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. सो दैट इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेस, वेरी इंपॉर्टेंट थ्री केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेस. द फर्स्ट वन इज रिएक्शन विद बेस. व्हेनेवर बेस रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द बेस दैट इज विद सॉल्ट ऑफ अमोनियम, विद अमोनियम सॉल्ट. सो विद अमोनियम सॉल्ट यू कैन सी एंड वन कैल्शियम क्लोराइड एंड अदर इज कैल्शियम सल्फेट इज प्रोड्यूस. सो दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेस विद अमोनियम सॉल्ट. एंड द थर्ड रिएक्शन ऑफ द बेस वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, दैट इज अगेन रिएक्शन विद सॉल्ट, बट नाउ द सॉल्ट ऑफ द हीवी मेटल्स, नाउ द सॉल्ट ऑफ हीवी मेटल. याद रखिए जब भी बेस हीवी मेटल्स के सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर लेता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो इनसॉल्युबल होता है, सो नोन इज अ प्रिसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड. इसको हम प्रिसिपिटेट हाइड्रोक्साइड कहते हैं क्योंकि सब हाइड्रोक्साइड है. और इनका कलर आपको मस्त याद होना चाहिए कि कॉपर का जो कलर है दैट इज ब्लू, और इसके अलावा +3 में ब्राउन है, लेकिन +2 में आयरन हो तो डर्टी है, बाकी जितने भी प्रिसिपिटेट है सबका कलर जो है वो वाइट है. सो दैट इज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द
base 3, chemical property of the base, yaad rakhe. Thank you very much for watching this video.